9 अगस्त को मैं और मेरे साथ 3 बंदे थे, हमें लिया गया और इन्होंने रिपोर्ट दिया था पुलिस स्टेशन बटाम वालों ने, हमें उठाया था। एसपी साउथ थे, डीएसपी था और एसएचओ थे। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि हमने इनको रिलीज़ कर दिया दूसरे दिन, लेकिन चूँकि वो बात सारी गलत है, हमें 1 महीना 4 दिन बंद रखा गया। जब भी हमारे घर वाले एसएचओ साहब के पास जाते थे या एसपी साहब के पास जाते थे, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने बोला कि हम 16 को सब लड़कों को रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। जबकि हमारे घर वाले एसपी साहब के पास गए सुबह से लेकर शाम तक, जो जब भी हमारे घर वाले पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद काम हुआ कि हमारे घर वालों को अरेस्ट कर दिया गया। हमारे फादर्स 1 दिन, किसी के 2 दिन बंद रहे, तो उसके बाद भी कोई हम कह रहे थे कि हमें आप बंद रखो, लेकिन हमारे घर वालों को रिलीज़ करो। उसके बाद हमारे घर वाले रिलीज़ करे गए, तो उसके बाद मेंटली हमें बहुत डिप्रेस करा गया पुलिस स्टेशन बटमालो द्वारा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस। हर एक लड़के को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे, अलग अलग तरीके से नाम पूछ रहे थे, तंग कर रहे थे, बाहर जाने के लिए बोल रहे थे कि हम आपको आगरा ले जाएंगे, हमें लड़के दो। एक एक लड़के से 10-10 लड़कों की डिमांड कर रहे थे। मेरे साथ और 5 बंदे, और उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया काकसराय स्टेशन ने बटामलों के साथ कांटेक्ट किया, बोला कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा, हम नहीं रख सकते रात को यहाँ पे लड़कों को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना ड्रेनेज है, ना हम इन्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते खाना। आ गया उसके बाद हम कम से कम 10-12 दिन के बाद रिलीज हुए। बहुत मुश्किल था, हमें बस डिप्रेस करते रहे, हमें कंटिन्यू डिप्रेस करते थे, हमें लड़के दो, हमें वो दो, हम आपके माँ बाप को बंद रखेंगे। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरा 10th का एग्ज़ाम था, तो मेरे घर वाले SHO के पास गए, बोला कि हमारे लड़के का करियर ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़ इन्हें रिलीज़ करो, इनके 10th के फॉर्म भरने। तो उसके बाद SHO ने मेरी माँ की टांग पर लात मारी थी, तो उसके बाद मैंने घर वालों को बोला कि आप वहाँ मत जाओ, छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, जा सकता है मेरा 10th, मैं इसके बाद भी दे सकता हूँ, लेकिन एक अगर मेरी माँ को कुछ हो सकता है, मेरी माँ हार्ट पेशेंट। हम पिछले 1 महीने से कंटिन्यू रोज जाते हैं, सब जितने भी हम अरेस्ट थे, जितने रिलीज़ हो गए, हर एक लड़का 26-25 दिन के बाद रिलीज़ हुआ। मेरे सेल में मैक्सिमम माइनर्स थे, हम सब लगभग माइनर्स थे, लेकिन 28 डेज से ज़्यादा हर एक माइनर ने दिया, हर एक ने, जो भी वहाँ पे बांधा।